That's it, Brian? Yes. हेलो फ्रेंड, कृष्णा फूड रेसिपी में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे फिश कड़ी। फिश कड़ी बनाने के लिए हमने लिया है 1 केजी फिश, मस्टर्ड ऑयल, हरा धनिया, 1 टीस्पून जीरा, साबुत लाल मिर्च, तेजपत्ता, नमक, हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून मिर्च पाउडर, 1 कटिंग किया हुआ टमाटर, प्याज, 1 टेबल स्पून जीरा, 1 टेबल स्पून पीला सरसों और लाल मिर्च का मिक्स करके हमने पेस्ट तैयार कर लिया है, लहसुन का पेस्ट। अब हम फिश कड़ी बनाने के लिए सबसे पहले हम इस फिश में स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, स्वाद अनुसार हल्दी डालेंगे और 1 टीस्पून मिर्च पाउडर डालेंगे और 1 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट डालेंगे और इसे मिक्स कर देंगे। अब ये अच्छी तरीके से मिक्स हो गया। सबसे पहले हम कढ़ाई को गर्म कर लेंगे। ये कढ़ाई गर्म हो चुका है, इसमें हम तेल डालेंगे। अब इस तेल को हम गर्म होने देंगे। अब ये तेल गर्म हो चुका है, अब इसमें हम फिश डालेंगे, एक एक करके फिश डालेंगे। इसमें चारा हमने डाल दिया, इसे अब हम गोल्डन ब्राउन होने तक इसे पकने देंगे। और गोल्डन ब्राउन हो चुका है, इसे हम पलट देंगे। हमने चारा पलट दिया और उधर भी गोल्डन ब्राउन होने देंगे, तब हम सब निकाल देंगे। ये फ्राई हो चुका है, दोनों साइड गोल्डन ब्राउन हो चुका है, अब हम इसे निकाल लेंगे। हमने सारा फ्राई कर लिया। अब हम इसमें सबसे पहले मिर्च, तेजपत्ता और जीरा डाल देंगे। जो हमने पेस्ट तैयार करके रखा था ये सारा हम इसमें डाल देंगे। लहसुन का पेस्ट जो हमने रखा था ये भी हम इसमें डाल देंगे। हल्दी पाउडर डालेंगे, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और इसे हम भूनेंगे। अच्छी तरह के ऐसे ये भुना गया, इसमें हम टमाटर डाल देंगे। इसमें हम पानी डाल देंगे। ग्रेवी के लिए हमने पानी इसमें डाल दिया है, आपको जितना ग्रेवी पसंद है, पतला या गाढ़ा, तो उस अनुसार आप पानी डालें। इसमें हमने ग्रेवी के लिए पानी डाल दिया है, अब इसको हम बॉईल होने देंगे। हमारा ग्रेवी बनके तैयार हो चुका है, इसमें हम अब सारा फिश डाल देंगे। सारा फिश हमने इसमें डाल दिया, अब 2 मिनट तक इसे इसमें पकने देंगे और हरा धनिया इसमें डाल देंगे। दो मिनट हो चुका है, हमारा फिश कड़ी बन के तैयार हो चुका है, अब हम गैस को बंद कर देंगे। फिश कड़ी बन के तैयार हो चुका है, इसी तरह आप भी अपने घर में बनाइए और खाइए। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।